हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। हमने लेसन नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट बजट। हमने गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट कर दिए हैं, उसमें था हमारे पास बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, गवर्नमेंट बजट बनाकर कौन से ऑब्जेक्टिव को, कौन से उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। स्टूडेंट्स, अभी आपने परसों आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण सुना होगा जो रात को 8 बजे आया, और कल हमारी वित्त मंत्री ने उस बजट जो प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था कि हमारी गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रही है, ठीक है, कल वित्त मंत्री ने बताया कि वो 20 लाख करोड़ रुपए किस पर्पज के लिए क्यों दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा हो, स्पीच सुनी हो, तो आपको गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा कि देश के लिए गवर्नमेंट का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आज देखा होगा आप लोगों ने, देख रहे हो इन दिनों में, कि हमारे देश की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो डाउन जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं, काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं, देश के अंदर डिफ्लेशन यानी मंदी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। अब इस क्राइसिस से, इस संकट से कौन बाहर निकालेगा, किसकी ड्यूटी है? तो बेटा, ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट कैसे निकालेगी? गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका बजट, यानी ये बजट। इस बजट के थ्रू गवर्नमेंट इस क्राइसिस से हमें बाहर निकाल सकती है, देश को बाहर निकाल सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे? देखो, गवर्नमेंट बजट में आपने कंपोनेंट पढ़ा था गवर्नमेंट की रिसिप्ट यानी टैक्स और एक्सपेंडिचर। ये दो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट है कि गवर्नमेंट इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस हैं, वो फुलफिल कर सकती है। जैसे मैं लेता हूं, पहला पर्पस होता है मेन जीडीपी ग्रोथ। अब देश की ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो नेचुरल बात है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब देश की ग्रोथ करने का जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा, तो नेचुरल बात है उसके लिए गवर्नमेंट अपना बजट पॉलिसी बनाएगी। वो बजट पॉलिसी कैसे होगी, क्या होगा, ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ग्रोथ करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके द्वारा देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। अब इन्वेस्टमेंट प्रमोट कैसे होगा, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट के करने के लिए दो सेक्टर आगे आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स। अब देखा होगा आप लोगों ने कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स है, उसको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। देखो आपने, गवर्नमेंट ने उनको जो लोन है, सस्ता लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने और काफी सारे कंसेशन दिए इनको, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में छूट दी है, बिजली में छूट दी है, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है कि पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी प्रमोटेड। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट कर सकती है, दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर। जैसे फार्मर्स को लोन दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, और भी बोलो जो काफी सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को लोन
सस्ता लोन, जो भी सेक्टर डाउन जा रहा है, लॉस में जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट के थ्रू काफी सारा प्रोविजन किया है ताकि जीडीपी ग्रोथ कैन बी इंक्रीज्ड। फिर आता है हमारे पास, हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज। अभी इन दिनों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब पेपर्स में आ रहा है कि भारत के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंची, ठीक है ना, लॉकडाउन हुआ, काफी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना किसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट अपनी बजट पॉलिसी ऐसे बनाती है कि कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके। जैसे एक स्कीम है मनरेगा, आप लोगों ने सुना होगा मनरेगा स्कीम है, ठीक है, मनरेगा स्कीम है, ये बजट की पॉलिसी है, बजट के थ्रू है कि गवर्नमेंट जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं विलेज एरिया के अंदर, उनको 100 दिन का 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की गारंटी देती है। तो इसके लिए पैसा कहां से आता है, बजट के थ्रू, ठीक है। तो यानी बजट एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। और भी जैसे गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन चलाया, स्किल इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन का मतलब क्या है कि जो अनस्किल्ड पीपल हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको स्किल मिले, नेचुरल बात है स्किल होगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है कि हर विलेज एरिया को डिजिटल किया जाए, कंप्यूटर हो गांव के अंदर, ठीक है, फार्मर्स हैं उनको गांव के अंदर, विलेज के अंदर ही जो भी नॉलेज है एग्रीकल्चर रिलेटेड मिले। तो इससे क्या होगा, गांव के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेनली पेपर के अंदर आता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, फिर इसका मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको लो प्रोडक्टिव एरिया से हाई प्रोडक्टिव एरिया की ओर शिफ्ट करना, हाई प्रोडक्टिव एरिया की ओर। वो कैसे होता है, गवर्नमेंट की पास होती है उसकी बजटरी पॉलिसी, यानी टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, एक प्राइवेट बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज कहां पे लगाएगा, तो नेचुरल बात है वो अपने रिसोर्सेज लगाएगा उस गुड्स के प्रोडक्शन में जहां पे उसको प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी लग्जरियस गुड्स, लग्जरियस मतलब जहां पे उसको प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ही विल नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर पुअर पीपल्स, He will not produce public goods. वो public goods produce नहीं करेगा। Public goods क्या होती है, जैसे कि पार्क बनाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, क्योंकि इसके लिए उसको प्रॉफिट नहीं आता, कोई प्राइस नहीं मिलती है। जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स होती हैं आम आदमी के लिए, पुअर पीपल्स के लिए, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट क्या होता है, लो होता है। अभी ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट थ्रू बजटरी पॉलिसी शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम लो प्रोडक्टिव एरियाज टू हाई प्रोडक्टिव एरियाज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन लग्जरियस गुड्स के ऊपर लगाती है हाई टैक्स। क्या लगाएगी, हाई टैक्स। अब जो यहां से पैसा कलेक्ट होगा गवर्नमेंट वो देगी सब्सिडी के रूप में किसको, टू दोज प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूसेस बेसिक नेसेसिटी गुड्स, मतलब जो प्रोड्यूसर लाइफ सेविंग गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहा है, आम आदमी पुअर पीपल्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है,
गवर्नमेंट देती है उसको सब्सिडी। जैसे यहां हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को सब्सिडी देती है। खादी इंडस्ट्री है, खादी जो जो खादी कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है क्योंकि ये कपड़ा आम आदमी पहनता है, तो सब्सिडी देकर गवर्नमेंट इनके प्राइसेस को कम करती है, सो दैट एवरीवन पुअर पीपल्स कैन प्रोड्यूस परचेज इट। आपको पता है हमारे यहां पे एमएसपी पॉलिसी है फार्मर्स के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, गवर्नमेंट फार्मर को सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ये होते हैं शिफ्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम लो प्रोडक्टिव एरियाज टू हाई प्रोडक्टिव एरियाज। प्लस और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू टैक्स कंसेशन देती है, टैक्स हॉलिडे देती है प्रोड्यूसर्स को जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर, तो और क्या करती है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट आपने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन, उसमें क्या देखा था हमने कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट को लॉस दे रही हैं, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट को लॉस दे रही है, गवर्नमेंट क्या करती है बजट पॉलिसी के थ्रू उसको सेल कर देती है, उस सेल करके गवर्नमेंट को जो पैसा आता है, जो रिसिप्ट आती है, वो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में यूज करती है। तो ये था हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लो प्रोडक्टिव एरियाज टू हाई प्रोडक्टिव एरियाज। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है कौन सा टारगेट अचीव करने के लिए, इक्विटी समानता। यू नो दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम हाई गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर्स, इनइक्वालिटी से सफरिंग है, मतलब रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर कितने पुअर पीपल्स लॉकडाउन की वजह से दो टाइम की रोटी अरेंज नहीं कर पा रही हैं। मतलब गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से होता है सोशल अनरेस्ट, सामाजिक संकट पैदा हो जाता है। अभी किसकी ड्यूटी है, इक्विटी का टारगेट अचीव करने की ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कैसे करेगी इसको, अपनी बजटरी पॉलिसी के लिए। फॉर दैट गवर्नमेंट यूज इट्स प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा भी इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है, मींस हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन रिच पीपल्स, कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगे, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगे, और वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट शिफ्ट करती है, ट्रांसफर करती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल्स, सो दैट पुअर पीपल्स कैन हैव देयर बेसिक नीड्स, कैन फुलफिल देयर बेसिक necessities. In India, we can see that our government has started many schemes for poor peoples. देखो government schools के अंदर मिड डे मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आयुष्मान भारत मेडिकल स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, कि कोई भी गरीब आदमी होगा उसका 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। और भी गवर्नमेंट जैसे गरीब आदमी है उसके लिए रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट क्या करती है कि उधर से पैसा, मतलब रिच पीपल से पैसा लेकर, ताकि उनकी जो परचेजिंग पावर है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम की जा सके और वो पैसा पुअर पीपल्स को शिफ्ट किया जा सके, सो दैट देयर लाइफ देयर लिविंग कैन बी अपलिफ्टेड, ऊपर उठाई जा सके, जो रिच और पुअर का गैप है वो कम किया जा सके।
ठीक है ना। और भी जैसे हमारे यहाँ पे पीडीएस सिस्टम है गवर्नमेंट, देखा आप लोगों ने आजकल न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ रहे होंगे आप लोग कि गवर्नमेंट जो पीपीएल होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन उनको पीडीएस के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, सस्ता राशन अनाज मिलता है, चीनी शुगर मिलती है वगैरह वगैरह, और ओल्ड एज पेंशन भी है बुजुर्ग लोगों के लिए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो रिच और पुअर का गैप है उसको कम करने की कोशिश करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस देयर इज नो सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई प्राइसेस, हाई प्राइसेस, और डिफ्लेशन मतलब लो प्राइसेस। ये प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा कम हो जाएं तो डिफ्लेशन। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ऐसी पॉलिसी बनाती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना ही ज्यादा डिफ्लेशन हो। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों है देश के अंदर कि लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, उनका जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है देश के अंदर वो ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन कैसे कम की जा सकती है, जब एडी का लेवल कम हो, एग्रीगेट डिमांड कम हो। अब एग्रीगेट डिमांड कम कैसे होगी, ध्यान सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट की पॉलिसी, मतलब बजट के थ्रू गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर है पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम पे वगैरह वगैरह पे वो कम कर देती है। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो इससे जो इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीपल्स की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। वो परचेजिंग कम करेंगे, गुड्स की डिमांड कम करेंगे, तो नेचुरल बात है डिमांड कम होने से प्राइसेस कम हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिच पीपल पे ज्यादा टैक्स लगा देगी, टैक्स ज्यादा लगने की वजह से उनकी डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी, नेचुरल डिस्पोजल इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर गुड सर्विसेज कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। डिफ्लेशन की बात करते हैं, अभी देखिए कि फिर मैं बात आता हूं, इस टाइम लॉकडाउन की वजह से गुड सर्विस की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हर चीज के प्राइसेस काफी डाउन जा चुके हैं। प्राइसेस डाउन होने की वजह से प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे को तो लॉस हो रहा है, अगर उसको लॉस हो रहा है तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इंप्लॉयमेंट कम होने से इनकम और ज्यादा कम हो जाएगी, इनकम और ज्यादा कम होने की वजह से डिमांड और ज्यादा कम, तो इकोनॉमी बिल्कुल लो जीडीपी लेवल पे चली जाएगी। अभी ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। परसों वाले स्पीच के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि हमें अपनी डिमांड सप्लाई चेन को मेंटेन करना है, हमें डिमांड जनरेट करनी है, और उसी डिमांड को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। यानी डिमांड कैसे जनरेट होगी, बजट के थ्रू, यानी बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर तो इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर आएगी, तो वो गुड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल बात है प्राइसेस थोड़ा सा जाएंगे ऊपर की ओर, तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब बजट, बजट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत से टारगेट को अचीव कर सकती है गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू। तो इस प्रकार गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है थ्रू बजटरी पॉलिसी, टैक्स और एक्सपेंडिचर।
लास्ट चैप्टर है हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ क्या होती है। रीजनल मीन जितने भी एरियाज हैं कंट्री के स्टेट्स हैं सभी इक्वली डेवलप, सभी इक्वली बोलो हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड बिहार, गवर्नमेंट की जो कोशिश रहती है एफर्ट्स रहती हैं कि देश के अंदर सभी एरियाज का इक्वल डेवलपमेंट हो, इक्वल ग्रोथ हो, यानी बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब बैलेंस रीजनल ग्रोथ कैसे अचीव हो सकती है, बजटरी पॉलिसी के थ्रू। मतलब हम देखते आए हैं स्टार्टिंग से, जैसे मैंने देखा है कि बिहार झारखंड ये वाले एरियाज काफी बैकवर्ड थे कुछ साल पहले तक, हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र ये एरियाज काफी डेवलप्ड है मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो। अब रीजनल बैलेंस ग्रोथ कैसी होगी, गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज्यादा डेवलप्ड एरिया है, ज्यादा डेवलप्ड एरिया है वहां पे टैक्स ज्यादा लगेगा, और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उधर शिफ्ट करती है। वो कैसे होगा, उन एरियाज की ग्रोथ कैसे होगी, उन एरियाज की ग्रोथ हो सकती है कि अगर उधर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, अगर उधर इन्वेस्टमेंट जाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो वहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, वहां की पब्लिक को सिटीजन को रेजिडेंट को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। अब बात आती है कि उस एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे प्रमोट हो, यहां से जो टैक्स कलेक्ट हुआ डेवलप्ड एरिया से, अब उन बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, मतलब प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रख देना कि आपने इस एरिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए फैसिलिटी चाहिए गवर्नमेंट ने तैयार करके दे दी। अब जो बिजनेसमैन है वो उसने यहां पे आना है सिर्फ अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, यानी उन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन